इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप दुष्ट प्रकृति के इंसान हैं या आपने कभी जीवन में कोई गलती की है तो आपको उसकी सजा एक नए दिन जरूर मिलेगी, या आप कभी आपके मन में विचार आए गलती करने का तो आपको उसके लिए भी एक नए दिन जरूर सजा मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि क्यों आपको सजा मिलेगी तो इसके लिए आप ये स्टोरी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये स्टोरी एक लालची कौए की। एक लालची कौआ एक घर के सामने से जा रहा था तो उसने उसके रसोई में देखा कि उसमें मछली पक रही थी। मछली को देखते उस कौए के मुंह में पानी आ गया। अब उसने सोचा कि मैं रसोई के अंदर घुसूं कैसे, तो उसका ध्यान रसोई घर के अंदर कबूतर के घोंसले पे गया। तो उसने सोचा, अगर मैं इस कबूतर से दोस्ती कर लूँ तो मैं उस रसोई घर में घुस सकता हूँ। जब कबूतर अपना खाना खोजने रसोई घर से बाहर निकलता तो कौआ उसके पीछे पीछे चल दिया। कौए को पीछे चलता हुआ देख कबूतर ने उसे पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कौए ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो कबूतर ने कहा कि हम दोस्त कैसे बन सकते हैं, हम दोनों बहुत अलग अलग हैं, तुम कीड़े खाते हो और मैं बीज खाता हूँ। उसने कहा कि खाने से क्या होता है, मेरे पास घर नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं तुम्हारे साथ एक घर में रह सकता हूँ, हम जब खाना खोजने निकलेंगे तो तुम अपना खाना खोजना, मैं अपना खाना खोजूंगा। तो ये बात सुन के कबूतर मान गया और उसे अपने घोंसले पे ले आया, मतलब घर के अंदर रसोई के अंदर ले आया। तो दोस्तों, अगले दिन कबूतर ने कौए को खाना खोजने के लिए बाहर चलने को कहा तो कौए ने कबूतर से कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, तुम चले जाओ। और उसके जाने के बाद में जब उसने देखा कि रसोई घर में मछली पकी हुई है तो उसने जाकर वो मछली को खाना शुरू कर दिया। बट मालिक के आने के बाद मालिक को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कौए की गर्दन पकड़ के उसको मरोड़ दिया। जब कबूतर वापस आया, उसने देखा कि कौए की ये हालत हो गई, तब वो समझ गया। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बुरी काम करने वाले और बुरी सोच रखने वालों का नतीजा भी एक दिन बुरा ही होता है। अगर आप अपने दिल और दिमाग में बात बैठा लेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आई हो। और एशिया टेलीकॉम और देवदत्त अग्रवाल हमेशा आपके सपनों को सपोर्ट करेगा और आपको हर दिन ऐसा ही मोटिवेट करता रहेगा और एक नए दिन आपको कामयाबी की सीढ़ी पर ला के खड़ा करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत अग्रवाल है। आई होप आप मुझे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप मेरा नाम गूगल में सर्च कर सकते हैं। आप लिखिए देवव्रत अग्रवाल, स्पेलिंग आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। आप लिखिए गूगल में देवव्रत अग्रवाल, आप लिखिए प्ले स्टोर में, आप प्ले स्टोर में मुझे सर्च कर सकते हैं, आप मुझे गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे आपको मेरे नाम के जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मेरी आपको YouTube चैनल मिल जाएगा जो कि एक पहला है एशिया टेलीकॉम, दूसरा आपको मिल जाएगा स्मार्ट डेवलपर जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, एशिया टेलीकॉम में मैं डालता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो, तीसरा अगर आप मुझे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको एंड्रॉयड ऐप्स मिल जाएंगे, और अगर आप गूगल में मुझे सर्च करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, मेरे काफ़ी ब्लॉग्स मिल जाएंगे और आपको मिल जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों, अगर आपको मुझे करीब से जानना है तो मेरा नाम सर्च कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Oh,